हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए बहुत अच्छी जॉब लेकर आया हूं। दोस्तों मैं आपके ऐसी जॉब के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। हाँ दोस्तों, इसमें आपकी ज़्यादा पढ़ाई लगाई भी नहीं मांगी और बहुत ही बड़े लेवल पर वैकेंसी सरकार द्वारा निकाले गए हैं, तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, आप जल्दी से जल्दी इनके लिए अप्लाई जरूर करें। अप्लाई करने के लिए मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ अपने इसी चैनल के माध्यम से, आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक सूचना दे दूँ जॉब बताने से पहले। अगर दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आपको किसी भी तरीके से कोई भी पैसा मांगे जॉब के लिए, तो किसी को पैसा ना दें, और आपको कोई भी कॉल करने को बोले नंबर पर, तो आप किसी के नंबर पर कॉल ना करें। दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे नाम के चैनल से काफ़ी सारे जो फेक आईडी बनाकर उसमें पैसे मांगते हैं लोगों से, तो आप बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में किसी को पैसे ना दें। दोस्तों अब जॉब के बारे में बता दूँ, दोस्तों ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में तो पर्ची काटने की जॉब निकाली गई है बहुत ही बड़े लेवल पर, तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, आप जल्दी से जल्दी इनके लिए अप्लाई जरूर करें। और अप्लाई करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, तो आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों सरकारी जो अस्पताल होते हैं उसमें आपको जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनका जो पर्चा बनता है उनको सिर्फ आपको जो पर्चा है वो आपको पर्चा काटना है और कुछ नहीं करना है। हाँ दोस्तों, 1 रुपये का जो पर्चा बनता है वो आपको सिर्फ पर्चा देना है और कुछ नहीं करना है। दोस्तों बहुत ही बड़े लेवल पर वैकेंसी निकालेंगे, जो नंबर वाइज जो पर्चा बनता है पेशेंट्स का वो आपको बनाना है और कुछ नहीं करना, तो बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी से जल्दी आप इसके लिए अप्लाई जरूर करें। दोस्तों और मैं आपको पढ़ाई लिखाई के बारे में बता दूँ, दोस्तों इसमें आपकी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं मांगे, कुछ ही इसमें आपकी पढ़ाई लिखाई मांगे। जैसे कि आपने अगर 5वीं पास कर ली है तो आप इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सरकार द्वारा बहुत ही कम पढ़ाई लिखाई इसमें मांगी जा रही, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी पर्ची काटनी है पेशेंट्स की नंबर वाइज और कुछ नहीं करना, तो बिल्कुल भी देर ना करें, हम जल्दी से जल्दी इनके लिए अप्लाई जरूर करें। और अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको सबसे पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों इसके कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं, तो डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता दूँ दोस्तों आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। उससे पहले मैं आपको उम्र बता दूँ कितनी होनी चाहिए इसको अप्लाई करने में, तो इसकी आपकी उम्र ज़्यादा नहीं मांगी गई है इसमें, सिर्फ आपके 18 साल उम्र मांगी गई है। दोस्तों अगर आप 18 साल से ज़्यादा गए हैं या 18 साल के हो चुके हैं, तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप जल्दी से अप्लाई जरूर करें इसके लिए और बिल्कुल भी देर ना करें। अप्लाई करने के लिए आपको आधार कार्ड होना जरूरी है दोस्तों डॉक्यूमेंट के तौर पर आपके पास। अगर आपके पास आधार कार्ड होगा तो आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, और आधार कार्ड में आपकी कम से कम उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। इसके फॉर्म के लिंक के बारे में बताऊँ दोस्तों, इसके फॉर्म का लिंक आपको मिलेगा गूगल पे। हाँ दोस्तों, अगर गूगल पे आप सर्च करते हैं हेल्प एंड रोजगार, तो आपको नंबर 1 पे एक जो वेबसाइट है वो मिल जाएगी, उस पर जाकर आप आराम से इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको वहाँ ना मिले तो दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर इसके फॉर्म का लिंक है वो मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल भी देर ना करें, आप जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई जरूर करें, आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों वैकेंसियाँ बहुत ही बड़े लेवल पर निकालेंगे सरकार द्वारा, मैं आपको बता ही चुका हूँ। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों ये बहुत ही बड़े लेवल पर वैकेंसी निकालेंगे, मैं आपको बता ही चुका हूँ इसके फॉर्म के लिंक के बारे में। इसका फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा गूगल पर दोस्तों, अगर आप सर्च करते हैं हेल्प एंड रोजगार, नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर इसके फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी से जल्दी इनके लिए अप्लाई जरूर करें। दोस्तों बहुत ही बड़े लेवल पर सरकार द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, तो आप बिल्कुल भी इनके लिए देर ना करें। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपकी उम्र आपको बता ही चुका हूँ और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बता चुका हूँ, तो जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे भी अप्लाई करें।